दोस्तों नमस्कार, एक और न्यू वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक है न्यू एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। एक सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी अपना नया एनएफओ लेकर आई है दोस्तों, उसके बारे में यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो ये वीडियो है खासकर उन लोगों के लिए जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी शुरुआत नहीं की है, और उनके लिए एक ही फंड के अंदर आप लोगों को यहां पर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों का डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। तीनों का मिश्रण आप लोगों को यहां पर मिलने वाला है। किस प्रकार रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आज जो नया एनएफओ हम आप लोगों को यहां पर बताने वाले हैं, जिसका रिव्यू करने वाले हैं, उसके अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट का 50% पैसा लार्ज कैप कंपनी के अंदर जाएगा, यानी जो टॉप 100 कंपनी है उनके अंदर आप लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। यहां पर यह बोल सकते हैं कि आपके 50% पैसे के ऊपर आप लोगों को, जो रिस्क से आप लोग डरते हैं ना, जो सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक जबरदस्त एनएफओ होने वाला है। इसके बाद 25% पैसा आपका मिड कैप कंपनी के अंदर जाएगा और 25% पैसा ही आपका स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जाने वाला है। यानी तीनों का मिश्रण आप लोगों को यहां पर रहेगा। अपने आप में इस फंड ने आपके पैसे का यहां पर डाइवर्सिफिकेशन किया है और साथ ही साथ में फंड का भी डाइवर्सिफिकेशन किया है, क्योंकि हर कोई कोई स्मॉल कैप को सिलेक्ट करता है, कोई मिड कैप को सिलेक्ट करता है, कोई फ्लेक्सी को, कोई लार्ज को, कोई किसी को। तो यहां पर तीनों का मिश्रण आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और आप भी अपने जो भी आप ऐप यूज करते हैं उसके अंदर पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। तो आप यहां पर बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ना ना कुछ नहीं, मैं अपना आप ऐड दूंगा। तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी 50-25-25 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, जो फंड का नेम है उसका नेम है एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप है, और 50-25 और 25 जो मैंने यहां पर आप लोगों को बताया, जो 50-25 और 25 का जो मीनिंग है वो ये है दोस्तों। तो यहां पर लॉन्चिंग जो डेट है वो है 6 अगस्त, और एंड डेट यानी 20 अगस्त तक आप अपने इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हैं। अलॉटमेंट डेट, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जो आपको एनएवी जो अलॉट होंगी उसकी जो डेट है वो है 23 अगस्त। दोस्तों एनएवी का जो प्राइस होगा वो 10 रुपए से यहां पर स्टार्ट होने वाला है। उसके साथ बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। तो आप यहां पर देख सकते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, यानी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी जो अपनी नया एनएफओ यहां पर लेकर आई है। अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा कि सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों, एएमसी के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट है। आप यहां पर इसकी रैंकिंग देख सकते हैं, सेकेंड रैंक है इंडिया के अंदर। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं, एयूएम की बात करूं, तो 7,13,538 करोड़ का एयूएम है एचडीएफसी का। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी 10 दिसंबर 1999 को ये कंपनी एचडीएफसी अपना म्यूचुअल फंड यहां पर लेकर आई थी। अब बात कर लेते हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। अगर बात करें फंड बेंचमार्क की, तो निफ्टी 50 मल्टी कैप 50-25 और 25 इसका बेंचमार्क है दोस्तों। इसी के नीचे आप लोगों को स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहां पर भी आप ज्यादा जानकारी इसकी ले सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों यहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो मिनिमम आप यहां पर एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं 100 रुपीज से, केवल 100 रुपए से आप अपनी एसआईपी यहां पर शुरू कर सकते हैं, और जो आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो भी 100 रुपीज से आप लोग यहां पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात आती है दोस्तों एग्जिट लोड और टैक्स की। तो यहां पर एक बात यहां पर देखने को मिलेगी आप लोगों को, एग्जिट लोड यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, निल एग्जिट लोड यहां पर दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है, आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस आप लोगों का नहीं लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पर बात करेंगे फंड मैनेजमेंट की, यानी मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन है।
तो अरुण अग्रवाल जी हैं, इनकी डिटेल्स भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों निर्मन जी हैं, उनकी डिटेल भी आप यहां पर देख सकते हैं, और गूगल के ऊपर नेट के ऊपर जाकर भी दोनों का पूरा बायोडाटा आप सर्च कर सकते हैं। तो ये पूरा फंड आप लोगों को मैंने बताया कि मिनिमम 100 रुपए की SIP आप लोग यहां पर कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपए से ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एग्जिट लोड बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार आपका डाइवर्सिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एंड डेट जो है दोस्तों वो है 20 अगस्त। तो एक अच्छा मौका है अगर आप अपनी शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा डरते हैं NFO के अंदर स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करने से कि किस प्रकार का रिजल्ट मार्केट में आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर आप अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, आप नए हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है, एक ही फंड के अंदर तीनों कैटेगरीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये था दोस्तों HDFC का नया NFO जो आप लोगों के बीच में मैंने इसका रिव्यू किया। मार्केट के अंदर बहुत सारे NFO हैं, परंतु उनमें से अभी जो नए NFO है ना, उनमें से सबसे बेस्ट है दोस्तों, और अच्छी बात है कि HDFC का है। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, और एक ही फंड के अंदर तीनों का मिश्रण आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और एक बात मैं आप लोगों को यहां पर बोलना चाहूंगा, अच्छा फंड है और लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोगों को ये 15 से 20% का रिटर्न दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का मिश्रण है।